नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे सूजी का रसीला हलवा। अक्सर रामनवमी पर इस तरह का केसरी हलवा बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा रसीला बनाएं और बिल्कुल सही माप के अनुसार आज हम इसको बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे और बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सही नाप से 3/4 कप सूजी ली है। उतना ही हम घी लेंगे। घी को मैंने पिघला लिया है ताकि बिल्कुल सही नाप रहे। और 1 कप के लगभग हम चीनी लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर घी डाल देंगे। 2 चम्मच के लगभग घी मैंने बचा लिया है ताकि हम इसे बाद में हलवे के ऊपर डालें। अब हम जो सूजी हमने 3/4 कप ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट होने देंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर ही सूजी जो है उसका कलर चेंज होने लगेगा और ये हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। हमें सूजी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसको हमने आज केसरी हलवे के तौर पर बनाना है, तो इसलिए बस हमें इसे हल्का सा गोल्डन करना है। उसके बाद इस तरह से देखिए इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। 5 से 6 मिनट के अंदर ही सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आज हम हलवे को इस तरह बनाएंगे जिसमें हमें ना तो चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही हमें ड्राई फ्रूट को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत है। हलवे के अंदर घी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट मैंने लिया था 5-6 काजू 5-6 बादाम, इनको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन्हें मैंने हल्का सा बीच बीच में से टुकड़ों से काट लिया है। 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जो किशमिश है वो हमें बाद में डालनी है क्योंकि अगर हम किशमिश साथ में डाल देंगे तो उसके जलने का डर रहता है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। इस तरह से किशमिश डालने के 10 से 20 सेकंड के अंदर ही हमें इसमें पानी डालना है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह हलवा बनाने के लिए हमें जितना भी हमने सूजी और घी लिया है उससे 3 गुना हमें पानी लेना है। मैंने 3/4 कप के लगभग 3 बार कटोरी भर के पानी लिया है। एक ही कटोरी से अगर आप नापेंगे तो हलवा बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल सही नाप के अनुसार बनता है। अब हम जो चीनी हमने 1 कप के लगभग रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, पर ये बिल्कुल ठीक नाप है। और जो भंडारे का हलवा होता है या रामनवमी पर जो हलवा बनाया जाता है वो बिल्कुल इसी तरह से बनता है। अब मैंने थोड़े से केसर के धागे दूध में भिगो कर रख दिए थे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हलवे का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। अब बस गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इस तरह हलवा बनाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ना तो इसमें हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही अलग से कोई बर्तन और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और फटाफट से हम बहुत अच्छा हलवा बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 मिनट के अंदर ही इसमें उबाल आने लगेगा। बस अब हम इसे पकाते जाएंगे। आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पर गैस करके 5 से 6 मिनट के लिए पका सकते हैं। ये देखिए 5-6 मिनट के अंदर ही हलवा अच्छी तरह से पककर तैयार है। बस अब हम इसे हल्की फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे ताकि इसमें से घी रिलीज़ हो जाए। और इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा प्रसाद के लिए या आपकी नॉर्मल घर में डेजर्ट के तौर पे बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। देखने से ही पता लग रहा है कि कितना सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। जो घी हमने बचा कर रखा था 2 चम्मच वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे हलवे में से घी अच्छी तरह रिलीज़ भी होगा और इसमें बहुत अच्छी शाइन भी आएगी। इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार है। अब हमें हलवे में कुछ भी और चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मार्क से बना हुआ हलवा है। बस अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें से घी रिलीज़ हो जाए। इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसे और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हलवा जो है खाने में अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ये अपने आप वैसे भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हलवा बनकर तैयार है। अब आप इसे ढककर सर्व कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे जिससे जो देसी घी है वो ऊपर अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हलवा बना हुआ है। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं और 1-2 केसर के धागे। जिस तरह रामनवमी पर भंडारे का हलवा बनता है ये बिल्कुल उसी तरह से हलवा बनकर तैयार है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सबको रेसिपी कैसी लगी इस बारे में प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।